नमस्कार बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागपुर में कोरोना का नया जो स्ट्रेन है ओमाइक्रॉन, तो उसका एक मरीज मिल चुका है, उसका एक संक्रमित व्यक्ति मिल चुका है। और इसी मुद्दे पर किस तरीके से नागपुर प्रशासन की तैयारियां रहेगी, किस तरीके से आगे कार्रवाई इस मसले पे की जाएगी, और अगर ये संक्रमित बढ़े ना, इसकी दृष्टि से किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी इस खास मुलाकात सेगमेंट में। नमस्कार सर, कहीं ना कहीं कोरोना का नया स्ट्रेन जो है ओमाइक्रॉन, उसका पहला मरीज, पहला संक्रमित जो है वो नागपुर में उसकी पुष्टि हुई है। किस तरीके से ओमाइक्रॉन को लेकर शहर में तैयारियां की गई है, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ओमाइक्रॉन हिंदुस्तान में मिलने के बाद और महाराष्ट्र में मिलने के बाद सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी सारी तैयारियां की है। महानगरपालिका की कोरोना के दूसरी वेव के समय जो यंत्रणा थी, उन सारी यंत्रणाओं को सुसज्ज करने की दिशा में महानगरपालिका ने कार्य किया। महानगरपालिका ने वैक्सीनेशन को तीव्रता के साथ में करने का जो संकल्प लिया था, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला है और करीब करीब 99% के आसपास नागपुर शहर पहले डोज को ले चुका है, ऐसी स्थिति नागपुर शहर में दिखाई दे रही है। इसके कारण हर्ड इम्यूनिटी बढ़ी है और इसलिए किसी भी प्रकार की लहर से नागपुर उसकी आक्रामकता से बच पाएगा, ऐसा प्रतिपादित होता है। करीब 450 बेड की व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से सेकंड वेव के समय की गई थी, वे सारी की सारी आज भी सुसज्ज है। पिछले समय ऑक्सीजन की बड़ी कमी आई थी, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वयं के ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं। हमारा IGR है, वहाँ पर PSA प्लांट लगा है, KT नगर में PSA प्लांट लगा हुआ है, आयुष में PSA प्लांट लगा हुआ है, आइसोलेशन में PSA प्लांट लगा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे 5 पॉली मैटरनिटी होम में स्टोरेज प्लांट लगा हुआ है। इस दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से हम लोग सेल्फ सफिशियंट है। इसके अलावा इमरजेंसी में 1000 से ज़्यादा बड़े सिलेंडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास स्वयं के है कि अगर कहीं कुछ त्रुटि टेक्निकल आती है तो भी हमारे पास हम एट ए टाइम 500 लोगों को और ऑक्सीजन दे सके, इस प्रकार की सुविधा भी महानगर पालिका ने बना करके रखी हुई है। ये सारी बातों के अलावा ये थर्ड वेव में छोटे बच्चों पर असर होगा, इस दृष्टि से एडिशनल 200 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की है। हमने 200 बेड कहा था लेकिन वो 199 बेड का हॉस्पिटल राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज का जो प्रशासकीय भवन नई इमारत बनी है कैंपस में, वहाँ हमने इसका निर्माण किया है। आधुनिक सारी सुविधाओं से युक्त वह बना हुआ है। वहाँ पर पेडिट्रिक ICU अलग से बना हुआ है। पेडिट्रिक ICU में भी एज ग्रुप के हिसाब से 6 साल से ऊपर के बच्चे और जन्मजात यानी नए जन्मे हुए बच्चे से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, इसके लिए 2 अलग अलग ICU बने हुए, 6 वर्ष और 6 वर्ष से ऊपर के आयु के अलग बने हुए। उस दृष्टि से एपरेटस भी डिजाइन किए गए हैं और सारी सुविधा वहाँ पर अत्याधुनिक की गई है। वहाँ भी हमने ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कर लिया है, वहाँ भी PSA प्लांट है जो हवा से ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, और कोई भी स्थिति में अगर छोटे बच्चे भी रहे तो उनके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल में अलग से उनके साथ रह सके, इस प्रकार का नियोजन है। बच्चों के खेलने के लिए खेल सामग्री की भी वहाँ व्यवस्था की गई है और बच्चों को पसंद होने वाले फीचर के साथ में उस हॉस्पिटल को सुसज्ज किया गया है। इस दृष्टि से भी वहाँ पर 30 बेड का पेडियाट्रिक ICU है, 20 बेड का छोटे बच्चों का ICU है, ऐसे 50 बच्चों के ICU बने हुए, बाकी सब ऑक्सीजनेटेड बेड की व्यवस्था वहाँ पर भी की है। रही बात आपने कहा कि ओमिक्रॉन का जो नया पेशेंट मिला है, नैसर्गिक है कि नागपुर शहर में अगर पेशेंट मिला है तो उसकी दहशत शहर में होगी, लेकिन शहरवासियों ने इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो पेशेंट है ये विदेशी दौरे से दिल्ली आए, दिल्ली से फ्लाइट में बैठ करके नागपुर आए और नागपुर एयरपोर्ट पर इनकी जब टेस्टिंग की गई तो ये पॉजिटिव पाए गए, और ये पॉजिटिव पाए गए इसलिए इनको तुरंत एम्स में एडमिट कर दिया गया। और एम्स में एडमिट करने के बाद उनकी हमने जो रिपोर्ट भेजी थी वो रिपोर्ट 5-6 दिन के बाद में इस प्रकार से आई कि भाई जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट में बताया गया कि इनको जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन उससे ये प्रभावित है। कोई सिम्टम्स नहीं है किसी प्रकार की, उनके शरीर में लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डायग्नोस ओमिक्रॉन हुआ है इसलिए उन्हें एम्स में सेपरेट अलग रूम में रखा गया है। हम कोरोना के पेशेंट में सारे पेशेंट को एक साथ एक वार्ड में रखते थे,
अच्छा। इस डिसीज से अगर कोई प्रभावित होता है तो उसको आइसोलेशन में भी आइसोलेशन करना पड़ेगा। अच्छा। यानी उसके लिए अलग कक्ष बना के उसे रखना, जिसके कारण वो बाकी अच्छा। लोगों में प्रभावित ना हो सके, इस प्रकार का प्रिकॉशन एम्स में हमने लिया है। उसके सारे परिजनों का टेस्ट किया है, वे सारे के सारे निगेटिव आए हैं। अब जैसे ही कल पता चला कि वो पॉजिटिव है और उसमें नया वेरिएंट है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस फ्लाइट में जो जितने लोग आए थे उन सभी लोगों के नाम और यादें लेकर के उनकी भी टेस्टिंग कराने की दिशा में महानगर पालिका आगे अग्रसर हुई है, और उनके संपर्क में जो लोग आए हुए हैं उनकी भी टेस्टिंग कराने की दिशा में महानगर पालिका अग्रसर हो रही है, कारण इस पर रोकथाम लग सके। यह जो नया प्रकार कोरोना का आया है, यह प्रकार प्रसार की दृष्टि से बहुत आक्रामक है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना आक्रामक नहीं है, इसलिए इसका प्रसार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सतर्कता बरतनी चाहिए, सुरक्षा बरतनी चाहिए, लेकिन मन से ये भय निकाल देना चाहिए कि इसके आने से इस शहर में किसी न किसी प्रकार की प्राणहानि होगी। मैं नागपुर शहर के सभी नगरवासियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार भी मानना चाहता हूँ कि शासन की गाइडलाइन का पालन करने के कारण सितंबर महीने से नागपुर शहर में किसी भी प्रकार की कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई, और ये सारा का सारा श्रेय केवल प्रशासन को नहीं, नागरिकों के मिले हुए उत्तम सहकार को भी है। इसलिए कोरोना के डर को मन में बरकरार रखें, कारण डर बरकरार रहा तो हम सतर्कता बरतते हैं, और तुलसी बाबा तो उस सदी में कह के गए कि भय भी न होए न प्रीत, इसलिए थोड़ा डरे लेकिन भयातुर नहीं है यह मन में रखें। इसलिए यह भयानक नहीं है लेकिन सुरक्षा की नितांत आवश्यकता। जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो वेरिएंट है कोरोना का, ये वैसे तो इतना हानि नहीं पहुंचाता है, पर ये फैलता बहुत जल्दी है। तो क्या जिस तरीके से मुंबई में अभी ये शुरुआत की गई है कि जहाँ पे भी ओमाइक्रॉन का वेरिएंट मिला उस परिसर को पूरा सील कर दिया जाएगा, क्या नागपुर में भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा, ऐसा ही कोई कार्य इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे? वर्तमान में ये जो पेशेंट मिला ये तो एयरपोर्ट पर मिला है। बस्ती में अगर किसी प्रकार का पेशेंट मिलता है और वहाँ पर कांटेक्ट ट्रेसिंग होने के बाद अगर उसका प्रसार दिखता है तो ऐसी अवस्था में ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार का भाष्य करना योग्य नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक परिसर में एक पेशेंट मिला और उसके कांटेक्ट में आने वाले बाकी लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं, तो नैसर्गिक रूप से उसका प्रसार रोकने के लिए वो कदम उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमने जैसे देखा कि अब तक कोरोना की जो दो लहर हमने देखी उसमें प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की गई थी, एनडीएस दस्ते की ओर से सख्त कार्रवाई की गई थी, तो क्या इस जो अभी अगर लहर आती है तो उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, या फिर ओमाइक्रॉन का ये वेरियंट मिलने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और अलर्ट मोड में आ गया है, इस बारे में जानना चाहती हूँ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हमारे जो एनडीएस दस्तगत कार्रवाई है इसको हमने बंद नहीं किया है, यह शुरू ही है, इसकी आक्रामकता भी कम नहीं की है। लोग तो महानगर पालिका को कोसते भी है कि जब कोरोना कम हो गया है तो ये कार्रवाई क्यों चालू है। कार्रवाई का स्वरूप थोड़ा सा ऐसा परावर्तित हुआ है कि किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण अगर भीड़ जमा हो रही है तो वहाँ पर कार्रवाई की आक्रामकता ज़्यादा है। उदाहरण के लिए किसी परिवार में शादी है और उसने भीड़ जमा कर ली तो उसने जानबूझकर जमा की हुई भीड़ है वो, और यह मानसिक रूप से तैयार होकर जमा की गई भीड़ है, इसलिए उस पर कार्रवाई की आक्रामकता कोरोना के इस कार्यकाल में और इस वेरिएंट के आने के बाद महानगर पालिका की तीव्रता से है। इसलिए बहुत बड़े प्रमाण में आप जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ कार्रवाई देख रहे होंगे। हमें भी बार बार फोन आता है कि भाई हम शादी में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखें, लेकिन शादी में सोशल डिस्टेंसिंग ना रखे ये भी तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हॉल के अनुरूप संख्या कम हो अच्छा। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। अगर हॉल छोटा है और संख्या ज़्यादा है, या हॉल बड़ा है और फिर भी संख्या ज़्यादा है, तो नैसर्गिक रूप से भीड़ जमा होती है जो कहीं ना कहीं इसके प्रसार को बढ़ा सकती है। इसलिए महानगर पालिका की कार्रवाई आक्रामक है, और बाजारों में भी उसकी कार्रवाई आक्रामक करने की दिशा में महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से बाजारों की बात हुई, कहीं ना कहीं अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अगर हम बाजारों की बात करें तो लोग अभी भी कुछ ऐसे देखे जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी और ऐसे लोगों को आप क्या अपील करते हैं, इस बारे में जानना चाहती हूँ।
मैं शहर की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये शहर आपका है और आपने इस शहर में कोरोना के दौरान लॉकडाउन को देखा है और उस लॉकडाउन के कारण गरीब से लेकर के अमीर तक, दुकानदार से लेकर ग्राहक तक, सब ने बहुत बड़ी परेशानियों को भोगा है। पूरा का पूरा अर्थतंत्र इस शहर का पूरा बिगड़ गया था। हर व्यक्ति अपने रोजी रोटी के लिए परेशान था, दुकानदार भी परेशान था, काम करने वाला कर्मचारी भी परेशान था। ये दौर, भयानक दौर, दोबारा नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है ना? अगर लगता है तो प्रशासन का साथ दीजिए। आपने प्रशासन का साथ दिया था इसलिए कोरोना पर हम लोग इतने जल्दी काबू पा सके, और कोरोना पर काबू पाने में अगर आपने साथ दिया है तो आपके साथ ना मिलने के कारण फिर से कोरोना बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका कभी ये नहीं चाहती कि हम आपसे दंड वसूली करें, लेकिन आप गलती करते हैं तो महानगर पालिका को दंड वसूल करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, ये शहर आपका है, इस शहर में रहने वाले लोग आपके हैं, और अपनों की रक्षा के लिए आपको स्वयं को संजीदगी बरतनी होगी, सुरक्षा बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी, भीड़ से बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ और इस शहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप फिर से पूरी संजीदगी से सतर्कता और सुरक्षा बरतें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और आपने इससे पहले मेरी बात सुनी है इसलिए दोबारा सुनेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। कहीं ना कहीं जितने भी ओमाइक्रॉन का ये जो नया वेरिएंट नागपुर में मिलने से बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी डर रहे हैं इससे, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ लोग भले ही लापरवाही, पर फिर भी जैसे ही कोरोना का नया ये वेरिएंट मिला वैसे ही शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा डर गए इससे, तो ऐसे लोगों को आप क्या अपील करेंगे? मेरा एक आखिरी सवाल है। ये जो नया वेरिएंट महाराष्ट्र में आया, उसी दिन मैंने मेरे फेसबुक पेज पे जनता से एक अपील की थी, एक आह्वान किया था, केवल दो शब्दों में किया था कि डरो नहीं, सतर्क रहो। मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि हमने कोरोना की दूसरी लहर देखी है, और वो जो डेल्टा वेरिएंट था बहुत आक्रामक था, हमने बहुत सारे अपने को खोया है। उस त्रासदी को हम अभी भी भूल नहीं सकते। आज भी जब वो याद आता है तो शरीर में शेरन पैदा हो जाती है। वैसा वातावरण अभी नहीं है और ये वेरिएंट उतना आक्रामक भी नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है ना, बीमारी अच्छी और ख़राब नहीं होती, और वेरिएंट भी अच्छा और ख़राब नहीं होता। तो बीमारी को बीमारी की दृष्टि से देखिए और उससे बचने के लिए सतर्कता बरतिए। डरे ना, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, कारण डर होगा तो सतर्कता होती है, लेकिन हम भयातुर होकर के अपने आप को मानसिक रूप से त्रास दी ना दे, किसी प्रकार से डिप्रेशन में ना जाएं, किसी प्रकार से मस्तिष्क में ये ग्राह्य ना करें कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरा क्या होगा। आज नागपुर शहर में 78 लोग एडमिट है, इसमें से एक भी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, सब बगैर ऑक्सीजन के हैं, और बगैर ऑक्सीजन के हैं इसका मतलब जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं, और वो पॉजिटिव हुए हैं इसलिए उनको एडमिट किया गया है। कारण हर पॉजिटिव होने वालों को अब घर में रहने की अनुमति नहीं है, उसको हॉस्पिटल में आना है, उसको आइसोलेशन में जाना है। इस दृष्टि से ये 78 लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सतर्कता बरतें तो हम ये तीसरी लहर को भी समाप्त कर देंगे। तीसरी लहर नागपुर में आएगी नहीं, इक्का दुक्का पेशेंट आने के बाद हम इसको समाप्त कर लेंगे। केवल आपका सहयोग मिलना चाहिए, यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहीं ना कहीं ओमाइक्रॉन का ये जो मरीज यहाँ पे हमारे नागपुर शहर में मिला है, तो जितने भी लोग इससे डरे हैं वो कहीं ना कहीं कम डरे इससे, पर सतर्कता ज़रूर बरतें। जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो लापरवाही नहीं बरते, जैसा कहा महापौर जी ने कि ये शहर हमारा है और इस शहर में हमें ही कुछ सतर्क रहना पड़ेगा, और अगर हम ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ना पहने तो इससे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने की जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा है।
तो सतर्क रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। थैंक यू सो मच दयाशंकर तिवारी जी कि आप यहाँ पे आज हमारे स्टूडियो में आए, हमारी खास मुलाकात शो के जरिए आपने जितनी भी जनता है उनको बहुत सारी बातें बताई, कहीं ना कहीं उनको अपील भी की, जिनका फॉर श्योर वो लोग पालन करेंगे कहीं ना कहीं। हमारे इस खास मुलाकात में आने के लिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस खास मुलाकात शो में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।